अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रदेश के कम से कम 11 जिलों में फसल, पशुधन और घरों को भारी नुकसान हुआ है। खासतौर से कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फसलों के नुकसान का आकलन करवाने के लिए गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग 15 अक्टूबर तक गिरदावरी की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। जिन जिलों में भारी नुकसान हुआ है वहां मुआवजे के लिए केंद्र सरकार को मेमोरेंडम भेजा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि कलेक्टर 24 घंटे में ही पीड़ित को मुआवजा राशि जारी करेंगे। बुधवार को आपदा राहत के लिए सरकार ने पीड़ितों को 18 करोड़ रुपए बांटे थे और बारिश की वजह से किसानों को दोहरा नुकसान झेलना पड़ा है। एक तरफ तो उनकी फसल चौपट हो गई है तो वहीं कृषि लोन नहीं मिलने की वजह से उनका फसल बीमा भी नहीं हुआ है। ऐसे में अब किसानों को फसल बीमा की राहत भी नहीं मिलेगी। कोटा में सकतपुरा, बालापुरा खंड, गावड़ी, हनुमानगढ़ी सहित अन्य क्षेत्रों में मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों को आश्रय स्थलों का सहारा लेना पड़ रहा है और दो मंजिला मकान